क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसे कई खतरनाक सांपों ने काटा है, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि पूरे के पूरे 172 बार। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो इंसान अभी भी जिंदा है। और अगर हम आपसे ये कहें कि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतिम सांस को कैद कर सकता है तो क्या आप यकीन करोगे? और क्या आप एक ऐसे जगह के बारे में जानते हैं जहां पर 50 सालों से आग लगी हुई है? तो इन्हीं सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का आंसर जानने के लिए और साथ ही साथ ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सांप एक बार काट ले तो वह व्यक्ति या तो मर जाता है या फिर उसके शरीर में जहर फैलने लगता है और एक दो घंटे बाद उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सांप ने एक दो बार नहीं 172 बार अलग अलग तरीके के सांप काट चुके हैं लेकिन इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, जानकर आप भी चौंक गए होंगे लेकिन यह बात पूरी तरह सच है। उस व्यक्ति का नाम है विल होस्ट और उन्होंने खुद को ट्रेनिंग देने के लिए कई सालों तक सांप के जहर को अपने खून के अंदर इंजेक्ट किया। उनके जीवन काल में उन्हें 172 सांपों ने काटा था और सबसे खतरनाक सांपों के काटे जाने के बावजूद जिंदा बचने के बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। लेकिन दोस्तों आप ये ट्राई ना करें क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर हैं जो बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो बिना कुछ खाए कई सालों तक रह सकता है ना, ये काफी हैरान कर देने वाली बात। और साथ ही साथ यह जानवर अपनी जगह से बिना हिले डुले लगभग 12 साल तक रह सकता है और इस जानवर का नाम सैलामेंडर है। ऐसे सैलामेंडर कई देशों में पाए जाते हैं लेकिन इनका मुख्य निवास स्थान स्लोवेनिया से लेकर क्रोएशिया जैसे बाल्कन देशों में भी है। सैलामेंडर जिन गुफाओं में रहते हैं वहाँ भोजन मिलना आसान नहीं है दोस्तों। एक्चुअली सैलामेंडर जानवर जब भी सक्षम होते हैं तो वो छोटे कीड़े मकोड़े और घोंगे को खाते हैं और यह अपना स्थान तभी बदलते हैं जब उनको एक साथी की तलाश होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक जानवर के बच्चे और एक इंसानी बच्चे को साथ में पालें तो उनमें क्या चेंजेस आएगा? इंसानी बच्चा जानवर का रूप ले लेगा या जानवर का बच्चा इंसान का रूप ले लेगा? शायद हम दोनों को नहीं पता। 1930 में दो साइकोलॉजिस्ट ने एक बेबी चिंपैंजी को गोद लिया और उसे अपने बच्चे के साथ पालना शुरू कर दिया। एक्चुअली वह देखना चाहते थे कि चिंपैंजी इंसानी बिहेवियर सीख पाता है या नहीं। लेकिन 9 महीने के बाद ही उन्हें ये एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा क्योंकि उनके बच्चे ने चिंपैंजी की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया था और चिंपैंजी का बच्चा इंसानों की तरह है। ना काफी अमेजिंग बात ये। अब आप मुझे यह बताओ कि किसी भी मंदिर में प्रसाद के लिए आपने अभी तक क्या क्या चढ़ाया है या प्रसाद में क्या क्या खाया है? यकीनन लड्डू, मीठा फल, नारियल, यही सब। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पर देवी माता के प्रसाद में मेवा मिष्ठान नहीं बल्कि नूडल्स चढ़ाए जाते हैं और वो उस मंदिर का रिवाज है। जी हाँ, और वह मंदिर है चाइनीज काली मंदिर जो कि कोलकाता के चाइना टाउन में बना हुआ है। क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति कौन था? शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले लोग 50-60 साल तक इतने बूढ़े दिखने लगते हैं कि 100 साल के ऊपर तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत 200 साल के बाद हुई थी। तो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग चीन के लीचिंग यूएन सबसे ज्यादा जीने वाले व्यक्ति थे जिनकी मौत 256 साल की उम्र में हुई थी। क्या आपको ये बात पता थी? और अगर पता थी तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको एक दिलचस्प फैक्ट बताने जा रहा हूँ, इसे मिलिए। ये है सोफिया। जी हाँ, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है या फिर ऐसा कहें कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया ही आविष्कार है। यह सोफिया रोबोट इंसानों की तरह दिखने वाली बनाई गई है और यह ह्यूमन फेस रीडिंग भी कर लेती है, जैसे कि कौन खुश है और कौन गुस्से में है। और इस रोबोट को हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया था। इसका दुनिया के कई देशों में इंटरव्यू लिया जा चुका है और सोफिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत कर इंटरव्यू दिया। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया ने इसे अपनी नागरिकता भी दे दी है। क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि अगर किसी जगह पर आग लगाई जाए तो वह कितने दिनों तक जल सकती है? आपका आंसर होगा कि जब तक वहाँ की आसपास की चीजें जलकर खाक ना हो जाएं तब तक। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर वैज्ञानिकों ने आग लगाई थी और वह आग 50 सालों से जल रही है। 1971 में तुर्कमेनिस्तान में वैज्ञानिकों ने एक प्राकृतिक गैस की गुफा जला दी थी और उन्हें लगा था कि ये कुछ दिनों तक ही जलेगी, लेकिन ये 50 सालों से जल रही है और इसे नरक का दरवाजा भी कहते हैं, यानी डोर टू हेल, जो इसका एक नया नाम है।
चलो आप मुझे ये बताओ कि क्या अपनी सांस को आप कैद कर सकते हैं? तो आप कहेंगे पागल है क्या, कोई सांस को या हवा को कैसे कैद कर सकता है? मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है और हुआ भी है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो कुछ भी कर सकता है। पर ऐसा किया गया था आविष्कारक थॉमस एडिसन की अंतिम सांस के साथ, जो करंट में मिशिगन के एंड्री फोर्ड म्यूजियम में एक टेस्ट ट्यूब में रखी गई है। और उनकी अंतिम सांस 18 अक्टूबर 1931 को कैद की गई थी। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपने अभी तक कई प्रकार की वेंडिंग मशीन देखी होंगी, जिस पर पैसे डालकर आप ड्रिंक्स या चॉकलेट या कुछ भी लेते हो। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हग मी नाम की एक ऐसी वेंडिंग मशीन रखी हुई है, जिसे आप गले लगाकर यानी हग करते हो तो वो कोका कोला देती है, और वो भी बिल्कुल फ्री है। ना काफी गजब ये। दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड? अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।